देखो हमारी सुहानी कहां से कहां पहुंच गई। हाँ पता नहीं कहां पहुंच गई। माशाल्लाह हमारी सुहानी को देखो कितने बड़े घर की बहू और बहुत अमीर आदमी की बीवी है इस वक्त। और देखो घूमने के लिए यूरोप जा रही है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। ये खुशकिस्मती ऐसे नहीं मिल जाती, इसके लिए कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ती है ना। अल्लाह का शुक्र शुक्र। सुहानी बेटा तुम तो अपनी मम्मी के घर रहने गई थी, क्या हुआ, दिल नहीं लगा वहां? नहीं दिल तो बहुत कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जरिया अकेले वापस आएंगे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। ओह सो स्वीट, मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुम अपनी माजी को भुलाकर अपने मुस्तकबिल की तरफ देख रही हो। मेरी जान ये घर तुम्हारा अपना घर है, अब तुम्हें सिर्फ इस घर की तरफ देखना है। देखो अब तुम एक नए लाइफस्टाइल, नए सर्कल में आ चुके हो, इसलिए तुम्हें अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। पर्सनालिटी, सोच? हाँ चेंज करना पड़ेगा, और उस चेंज के बदले में देखना तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। और मेरी जान जो कुछ तुम्हें मिलेगा उसके मुकाबले में ये तब्दीली कोई बड़ी बात नहीं है। आंटी मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी पगली, पहले ये बताओ तुम्हें याद है ना कल हम ज्वेलर के पास जा रहे हैं? कल? हाँ कल, क्यों? कल तो मैं जरिया आपके साथ पासपोर्ट ऑफिस जा रही हूँ। पासपोर्ट ऑफिस? जी वो मेरा पासपोर्ट बनवाना है, जरिया आप हनीमून का प्लान कर रहे हैं। हनीमून का प्लान बन चुका है या बना रहे हो? हेलो डैड। हाय। बेटा कल हमें डॉक्टर के पास जाना है। कल? हाँ बेटा कल दूसरी रिपोर्ट्स आनी है ना, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, फिर बाकी का प्लान उसकी रोशनी में बनाएंगे। ओके डैड। जरिया बेटा सुहानी तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना? यस डैड, इनफैक्ट बहुत ख्याल रख रही है। कल उसका दिल था मम्मी की तरफ रुकने का, लेकिन मेरी वजह से रात को मेरे साथ आ गई वापस। दैट्स गुड। अरे वो तुम्हारा ख्याल रखेगी तो तुम्हें बीमारी से लड़ने में आसानी होगी। यस डैड। जरिया मैं सोच रहा हूं कि सुहानी को बता दें क्या तुम्हारी बीमारी के बारे में। आप ही तो छुपाना चाहते थे उससे। अरे बेटा वो वक्त कुछ और था, उस वक्त छुपाना जरूरी था। और अब? अब वो तुम्हारी बीवी है, इस घर की फर्ज है, हम उसे एतमाद में ले सकते हैं। डैड क्या वो शॉक न्यूज को एक्सेप्ट कर सकेगी? अरे बेटा वो समझदार है, सब कुछ जान लेगी तो तुम्हारी बेहतर अंदाज में केयर कर सकती है, तुम्हारी मेडिसिन, तुम्हारी थेरेपी, ख्याल कर सकती है उसका। नहीं डैड हम सुहानी को बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। क्यों? डैड इसके अरमानों और उमंगों की उम्र बहुत थोड़ी है, दो दिन तो वे आए हुए उसे। प्लीज डैड। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। तुम तो शादी के बाद गायब ही हो गई हो। हाँ, ख्यालों में। अच्छा जी, तो कब निकलोगी ख्यालों से? ये तो ख्यालों को भी पता है। कुछ तो तुम्हें भी पता होना चाहिए। एक दो दिन में निकल आओगी। क्यों? क्योंकि तुम दोनों की दावत करनी है, हम सारा दिन इकट्ठे रहेंगे। That sounds like an interesting idea. बहुत सी कहानियां सुननी बाकी है तुमसे। शादी के बाद हम बैठे ही कब हैं? मैं तो तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली राहिला। अच्छा, तुम आओ तो सही। ठीक है, मैं जरा आपसे पूछ के तुम्हें बता दूंगी। बेवकूफ दुल्हन शोहरों से नहीं पूछते, उनको बताते हैं। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, साहिरा आंटी को तुम्हारे घर भेज देती हूँ, फिर देखते हैं तुम ऐसा वैसा कुछ कर भी पाती हो कि नहीं। ओ, तो तुम अपनी सास से तंग हो? तुम नहीं हो? नहीं, मैं तो बहुत लकी हूँ सुहानी। कैसे? जिस दिन मेरी एंगेजमेंट हुई, मेरी सासू माँ की रूह उसी दिन परवास कर गई। राहिला, नहीं, बुरी बात है। बड़ी कोई खुश नजर आ रही हूँ। वो मैं राहिला से बात कर रही थी। क्या कह रही थी? मैं दावत पे इनवाइट कर रही थी। तो इस बात पे हंसी क्यों आ रही थी? वो मैंने बोला कि मैं जरा आपसे पूछ के बताती हूँ, तो कह रही थी कि शौकों से पूछते थोड़ी हैं, उनको तो बताते हैं। लेक्चर देने लगी, ये करो वो करो, ऐसे रहो वैसे रहो। तो तुम क्या करो? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, जो करूंगी आपसे पूछ के करूंगी, आई प्रॉमिस। देखिए वालिद, सुहानी मुझे भी बहुत प्यारी है, लेकिन मैं चाहती हूं कि वो कोई भी काम करे मुझसे पूछ कर करे, ताकि उसे हमारे घर के तौर तरीकों का पता चले। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आ जाएगा। इंजॉय करने दो उन्हें, जीने दो अपनी जिंदगी। वलीद साहब, सुहानी डिफरेंट बैकग्राउंड से आई है, अगर हम उसे अभी से ट्यून नहीं करेंगे तो वो हमारे घर को कैसे मैनेज करेगी? तो तुम क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसे घरदारी सिखाऊं, उसे समझाऊं अपने घर के तौर तरीके। तो समझाओ उसे। नहीं नवेली, दुल्हन को कुछ समझाया जाए तो उसे बहुत बुरा लगता है। अगर मैं सुहानी को कुछ समझाऊं बताऊं तो उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ, अपने हाथों से बनाकर। दिल में रखी हुई बातें बोझ बन जाती हैं। ये बोझ कब तक उठाओगे? बता दो, सबको बता दो। नहीं, अभी नहीं। जरियाब, मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे सारी बातें शेयर करूं, आपसे कभी कुछ नहीं छुपाऊं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम चाह के भी नहीं कह सकते। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम चाह कर भी एक दूसरे को बता नहीं पाते। शायद इसलिए कि हम दूसरे को तकलीफ नहीं देना चाहते, उसको बुरा ना लग जाए। तुम्हारा इशारा फरीद की तरफ है ना? फरीद? दरिया, मैं तो कुछ और कह रही थी। और क्या? उस बात को छोड़ें, फरीद का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया?
जब तुम मुझसे बात कर रही थी। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आया। तुमसे मिलने आया था ना? नहीं, वो तो पप्पी जान को लेने आया था। तो फिर वो चला क्यों गया अचानक से? क्योंकि अब पप्पी जान जा चुकी थी अब्बू के साथ। वो बाद में आया था, उसको पता नहीं था। और जब वो आया तो आप आ गए, तो कोई बात भी नहीं हो पाई उससे। क्या बात करना चाहती थी तुमसे? पप्पी जान बता रही थी कि वो बहुत डिस्टर्ब्ड है और शहर छोड़ के जाना चाहता है। सारे का दिल टूट गया होगा ना तुम्हारे साथ शादी करके। उस मासूम सादा शख्स के साथ मैंने बहुत ज्यादा की। जरियाब, मैं जानती हूँ कि फरीद को मेरे साथ खड़ा देखकर आपको अच्छा नहीं लगा। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा, और ये तुम जानती हो कि मोहब्बत करने वाले जेलस होते हैं। जरियाब, कि मुझे सोहानी, मेरी आखिरी सांस तक तुम सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। वही हकीकत है, हमारा बेटा जरियाब ब्लड कैंसर का पेशेंट है। ये सब कैसे हुआ? शादी से कुछ अरसा पहले, तुम्हें याद है एक रात हम जरियाब को इमरजेंसी में लेकर गए थे। उसी रात उसके ब्लड टेस्ट हुए थे। डॉक्टर ने बताया कि सरयाब ब्लड कैंसर का पेशेंट है। क्या? इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई? मैं मां हूं उसकी। बात छुपाने की नहीं है सायरा, बस उस वक्त मैंने मुनासिब नहीं समझा था। मुझे भी नहीं, भले मैं उसकी सौतेली मां, लेकिन मैंने अपनी सगी औलाद की तरह चाहा है उसे। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? मुझे क्यों नहीं बताया? बात ये नहीं है साहिरा, तुम इस एंगल से ना सोचो। अंदाजा करो, जब ये बात मुझे पता लगी थी तो मेरे दिल पर क्या गुजरी थी। उसके बावजूद मैंने इस बात में किसी को शरीक नहीं किया। सही, आपको इस बात का इल्म? शादी से दो दिन पहले पता लगा था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था कि यह बात किसी को ना बताए। रिपोर्ट सब क्या कहती? फर्स्ट स्टेज है, कुछ नहीं होगा, जरिया आपको ठीक हो जाएगा। वो बस हमें उसका ख्याल रखना है, दवाइयों का ध्यान रखना है उसकी। लेकिन वलीद, मुझे लगता है कुछ दिनों से जरिया मेडिसिन नहीं ले रहा। अब अपने बेटे का ख्याल मैं खुद रखूंगी, उसकी हर चीज का ध्यान मैं खुद रखूंगी। तुम्हें एक बात का और ध्यान रखना है। क्या? ये बात किसी को पता ना चले, सुहानी को भी नहीं। सुहानी? वो क्या बात थी जो तुम मुझे बताना चाह रही थी? कौन सी बात?
वही बात जब मैंने फरीद का जिक्र किया तुम कह रही थी मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या बात थी वो? बात हाँ वही बात। रहने दे जरिया, अब आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे नहीं बताओगी तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखो सोहानी, मैं शायद अपनी कुछ बातें तुमसे छुपाऊं किसी मसलियत की वजह से, लेकिन तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। जब बातें छुपाते तो बातें बोझ बन जाती, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने दिल पर बोझ रखकर मेरे साथ जिंदगी गुजारो। और आप ये बोझ क्यों उठाना चाहते हैं? सोहानी मैं मर्द हूं, मर्द औरत से ज्यादा बोझ उठा सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डालो और बताओ क्या बात है। दरिया आप तो पीछे ही पड़ गए, कोई बात नहीं थी। जो भी बात बताओ मुझे। जरिया आपकी मॉम? हाँ। आंटी बहुत हार्श है मेरे साथ। कैसे? बस कुछ बातें होती हैं जो महसूस करने में बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन जब हम बताते हैं तो बहुत छोटी जाहिर होती हैं। जरिया वो हर बात पर मुझे डिक्टेट करना चाहती हैं, मेरा सोना जागना उठना बैठना अपने घर वालों से मिलना, वो चाहती हैं कि वो हर बात पे मुझे कंट्रोल करें। देखो सोहानी, हर सांस कम या ज्यादा ऐसे ही होती हैं। तुमने शायद कुछ ज्यादा ही फील कर लिया। मैं हर बात को फील नहीं करती जरिया। अगर आंटी चाहती हैं कि मैं रोज सुबह सवेरे उठ के उनको सलाम करूं तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। कितनी अजीब सी बात है कि वो मुझे अपने माँ बाप के घर तक जाने से मना कर रही है। क्या मतलब?